हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या जो होती है वो है 118। अभी तक हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित है, जिसके अंदर प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है वो 98 है, वो प्रकृति में पाए जाते हैं। और कृत्रिम तत्वों की जो संख्या है वो 20 है। कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए गए तत्वों की संख्या है वो 20 है। चार नंबर की बात करें तो प्रथम कृत्रिम तत्व का जो नाम था वो था पोलोनियम। जो प्रथम कृत्रिम तत्व था उसका नाम है पोलोनियम। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की जो संख्या है वो है 90। 118 में से 90 धातु है। और आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या है वो है 21। उसके अलावा अगर हम बात करें उपधातुओं की, तो आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की जो संख्या होती है वो है 7। 8 नंबर के तत्वों की बात करें तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, यहाँ तत्व की बात की गई है, जो सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे हल्का है। और आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस की बात की जाए, सबसे हल्की गैस, तो वह है हमारी हीलियम गैस। 10 नंबर पे है हमारा आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु की अगर बात की जाए, ऑस्मियम धातु सबसे भारी धातु है। 11 नंबर की बात करें तो सबसे मुलायम धातु जो होती है, जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, तो वह है हमारी सोडियम। सोडियम को आप चाकू से आसानी से भी काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है ये। और सबसे हल्की धातु की बात करें, यहाँ धातु की बात की गई है, वहाँ तत्व की बात की गई थी, तो सबसे हल्की धातु की बात करें तो वह है लिथियम। लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। 13 नंबर पे है हमारे सबसे विषैला तत्व, सबसे जहरीला तत्व जो होता है वो प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम सबसे जहरीला तत्व है। 14 नंबर की बात करें तो एकमात्र द्रव जो धातु में है, एकमात्र द्रव धातु, ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है पारा, जिसका नाम मरकरी पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। 15 नंबर पे है हमारा एकमात्र द्रव अधातु, अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। और एकमात्र चालक अधातु, अधातु विद्युत के और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ये चालक होते हैं वह है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक करता है। 17 नंबर पे है हमारा सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु, जिसे पेट का चादर बनाई जा सकती है, वह है सोना। इसके अंदर तन्यता भी सबसे अधिक पाई जाती है। इसके सोने से 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सोने से। और सबसे अधिक अच्छा चालक करने वाली धातु भी सोना ही होती है। सोने के अंदर विद्युत का चालन सबसे अधिक होता है। 19 नंबर पर बात करें तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु, जो प्रकृति में किसी भी रूप में नहीं पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वह सोना और चांदी। ये प्रकृति में आपको मुक्त अवस्था में मिलेगी। 20 नंबर पे है हमारा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जिसके अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, वह है फ्लोरीन। 21 नंबर पे है हमारा वह तत्व जिसके अंदर सबसे कम आयनन ऊर्जा पाई जाती है, वह है सीजियम। सीजियम के अंदर सबसे कम आयनन ऊर्जा पाई जाती है। 22 नंबर पे है हमारा मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ये बहुत ही क्रियाशील होता है, इसे ये वायु से और पानी से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, घासलेट में रखा जाता है इसे। 23 नंबर पे है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ, प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह हीरा। 24 नंबर पे हमारा अंतिम रूप से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, जो सभी में पाया जाता है और सभी के साथ अपना यौगिक बना लेता है, वह है कार्बन। तो गाइज, ये थे आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।